मेरा नाम उमंग गुप्ता है। सीए फाइनल मई 19 का रिजल्ट आया और मुझे ओल्ड कोर्स में थर्ड रैंक मिला, ऑल इंडिया थर्ड रैंक मिला। तो मैं सबसे पहले सीए कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। सीए एक 4 साल का कोर्स है। 12वीं कक्षा के बाद फाउंडेशन एग्जाम देना होता है हमें। तो 12th क्लास के 6 महीने बाद आपका फाउंडेशन एग्जाम होगा, आप वो क्लियर कर लेंगे। उसके 9 महीने के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम होता है और उस इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करने के बाद 3 साल का आर्टिकलशिप इंटर्नशिप बोलते हैं हम उसको। उसके आर्टिकलशिप खत्म होने के 2.5 साल के बाद हम लोग सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो सीए फाइनल का मैंने अटेम्प्ट दिया मई 19 में और मुझे ऑल इंडिया थर्ड रैंक मिला। तो इसका श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को और मेरी बहन अनुषा को जाता है, जिन्होंने भी लास्ट ईयर लास्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर किया था और उनका पूरा पूरा गाइडेंस था मुझे। तो अगर मटेरियल के बारे में बात करें तो मैं बोलूँगा इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, रिविजन टेस्ट पेपर, सजेस्टेड आंसर्स, वो ही बेस्ट सोर्स है, बेस्ट माध्यम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का। कोई ऐसा सेंस नहीं बनता आप हज़ारों ऑथरों की बुक्स में जाएं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है हमारा, इंस्टीट्यूट की बुक्स है हमारी, वो बाइबल जैसी है। मतलब पूरा पेपर उसी से बनने वाला है, आंसर स्क्रिप्ट वहीं से चेक होती हैं, सजेस्टेड आंसर वहीं से बनते हैं। तो मैं सभी को सीए स्टूडेंट्स को यही सलाह दूंगा कि आप अपनी स्टडीज आईसीआई के मटेरियल पर ही फोकस रखें। और मुझसे लोग पूछते हैं कि क्लासेस कौन सी लें, तो मैं बोलता हूँ कि क्लासेस आप कोई भी लीजिए, कोई भी अच्छी फैकल्टी की लीजिए, जो जो आपको कन्वीनियंट हो, आपके घर के पास हो, आपको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। क्योंकि होता क्या है, क्लासेस केवल 5 या 10% है, बाकी का सब कुछ आपको अपनी सेल्फ स्टडी से करना है। आप खुद अकेले बैठ के, आप खुद बुक्स के सामने आप कितना एफर्ट डालते हो, कितना पढ़ाई में जान लगाते हो, वो ही मैटर करते हैं एंड में। क्लासेस बहुत एक थोड़े एक्सटेंट तक आपको समझने में मदद करेंगी, बट ज़्यादातर आपको खुद बैठ के सेल्फ स्टडी है जो आपको मेनली हेल्प करेगी। और ओल्ड कोर्स में एक इसका का एग्ज़ाम होता है, उसमें सब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पढ़ने का, कैसे क्लियर करने का। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप एक काम करो, आप ICI के MCQs अच्छे से कर लो, आप मतलब 4 से 5 बार उनको कर लो। क्योंकि होता क्या है, वो ICI के सैम्पल MCQs में से ही 30-40% पेपर आ जाता है MCQ लेवल पे। और डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या पढ़ना है, आपको ICI का स्टडी मटेरियल ही पढ़ना है, आपको साइड हेडिंग्स अच्छे से याद करना है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के कीवर्ड्स को पे ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है। एग्जाम्स में डायग्राम्स बनाइए, आप हाईलाइट कीजिए एग्जाम में, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट पेपर माना जाता है और इसके कारण लोगों को अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं। तो इसका एक ही सलूशन है, आपको मैं मानता हूँ बहुत बोरिंग है, मैं मानता हूँ बिल्कुल मज़ा नहीं आता, सीए से रिलेटेड नहीं है, बट अपने को सीए बनना है तो अपने को इसका पढ़ना ही पड़ेगा और इसका क्लियर करना ही पड़ेगा। तो मैं एंड में यही बोलूँगा कि सीए फाइनल एक मैराथन की तरह है, आपको स्प्रिंट नहीं करना, आपको पूरे 3 साल लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है और तभी जाके आपको एंड में सफलता मिलेगी। आप सोचेंगे कि मैं आखिरी 2-3 महीने में पढ़ लूँ, बट वैसा नहीं होता सीए फाइनल में। सीए फाइनल 10th 12th से, मतलब अगर लोग बोलते हैं 10th 12th से ईजी है, बट ऐसा नहीं है। ये सीए फाइनल बहुत मुश्किल कोर्स है, वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है। अभी सीए करने के बाद क्या, सीए करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप खुद का प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, आप बिग फोर में जाके ऑडिटिंग टैक्सेशन में अपनी मास्टरी कर सकते हैं, आपको और पढ़ाई करनी है तो आप IAS का एग्जाम दे सकते हैं, आप MBA का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब सीए एक गेटवे है, एक पाथवे है, और सीए से बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सीए पे सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है, सीए के बाद भी बहुत बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं हम सीए में। और आजकल तो GST, इंड एस, कंपनीज एक्ट, इतने नए नए रिफॉर्म्स आने के बाद सीए का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप वो ही कीजिए जो आपको पसंद है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पसंद है आप वो कीजिए, आपको टीचिंग पसंद है आप वो कीजिए, जो भी आपको पसंद है वो उस पर अपने पैशन को फॉलो कीजिए। और सीए
एक एंड नहीं है, सीए तो एक नई शुरुआत है और हमें बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा करियर, बहुत बहुत कुछ हासिल करना है, ये केवल करियर की शुरुआत है। तो आप वही डिसाइड कीजिए और वही कीजिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, और बहुत बहुत सारे ऑप्शन है, आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और उसके बाद एक वाइज डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आपके करियर की शुरुआत है और जो डिसीजन आप अभी लेंगे उससे आपका पूरा पूरा करियर, आपकी पूरी जिंदगी उसी पर निर्भर करेगी। और एंड में मैं बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ इस वीडियो से तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीए के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।